रिप्लेसमेंट एक ऐसा शब्द जो रियल वर्ल्ड में शायद किसी को पसंद ना आए, क्योंकि हर कोई फर्स्ट चॉइस होना चाहता है। लेकिन रजत पाटीदार की जिंदगी में ये वो टर्म है जिसने उनके कहानी का सबसे प्यारा चैप्टर सुनहरे अक्षर में लिखा था। एक बार फिर इसी टर्म ने उन्हें वापस से वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें 30 साल की उम्र में वो मौका मिला जो कई क्रिकेटर्स के नसीब में नहीं होता है। आईपीएल 2022 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे पाटीदार को लवनीत सिसोदिया के जगह एज ए रिप्लेसमेंट आरसीबी के टीम में शामिल किया गया और उस सीजन उन्होंने अपना करियर डिफाइनिंग इनिंग खेला जिसमें एलिमिनेटर में एलएसजी के खिलाफ सेंचुरी शामिल था और अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में उन्होंने किंग कोहली को रिप्लेस किया है। साल 2000 के बाद से वो सातवें ऐसे इंडियन हैं जिनका 30 साल के बाद डेब्यू हुआ। तो क्या है इस खिलाड़ी की कहानी जिसने साल 2023 में करियर खत्म कर देने वाले सर्जरी को हराकर आज इंडियन टेस्ट टीम में डेब्यू किया, और टेस्ट डेब्यू के लिए उन्हें इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं या आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो 2 सेकंड लेके सब्सक्राइब वाले उस लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है इसी तरह आप लोगों के लिए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने का, तो प्लीज़ उस लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए। कई बार पंख और हौसले दोनों होते हैं मगर उड़ने के लिए आसमान नहीं होता, ये लाइनें रजत पाटीदार की लाइफ की कहानी बयां करती है। 8 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, स्टार्ट उन्होंने एज अ फास्ट बॉलर किया पर 2014 में इंजरी के कारण उन्हें बैटिंग पे शिफ्ट होना पड़ा। अगले ही साल 30 अक्टूबर 2015 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, पहले इनिंग्स में 60 रन और दूसरे इनिंग्स में अटैकिंग 101 रन, डेब्यू पर ही एक शानदार सेंचुरी। पर फिर भी इंडियन टीम में आने के लिए उन्हें लगभग 8.5 साल वेट करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि उसके टैलेंट में कमी थी, पर 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में वो आसमान बहुत कम लोगों को नसीब होता है। साल 2020 में शुभम शर्मा मध्य प्रदेश रणजी टीम के कप्तान थे, उस सीजन मध्य प्रदेश की टीम बहुत ही बुरी तरह टूर्नामेंट से बाहर हुआ। शुभम को पता भी नहीं था कि बल्ले से इतने खराब सीजन के बाद टीम में उन्हें जगह भी मिलेगी। इस दर्द को शेयर करने के लिए उनके टीममेट और रूममेट रजत पाटीदार उनके साथ थे जो खुद भी एक रफ पैच से गुजर रहे थे। पूरे सीजन ही एवरेज लेस देन 16। 26 साल के दोनों नौजवान जो करीब 10 साल से एक दूसरे के साथ थे, जब शुभम ने रजत से पूछा अब क्या भाई, क्या हमें दोबारा रणजी टीम में लेंगे, तो रजत का बहुत शांत जवाब था कि कोई नहीं, अगर रणजी में नहीं तो जहां मिलेगा वहां खेल लेंगे, क्लब क्रिकेट में तो वही सही। दैट वॉज रजत पाटीदार फॉर यू। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यही एटीट्यूड चाहिए होता है। पाटीदार छोड़ो, फॉर्मर क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर और अमय खुरसिया जो रजत के मेंटर हैं, इन दोनों को पता था कि पाटीदार में कितना टैलेंट है। दिलीप ने तो अमय से ये तक कह दिया था अगर अभी मैं बीसीसीआई का सेलेक्टर होता तो रजत टीम में होता। फिर भी रजत ने कभी गिव अप नहीं किया। 2021 के आईपीएल सीजन में आरसीबी ने उन्हें खरीदा पर वो सीजन उनके लिए कुछ खास नहीं बीता। नतीजा अगले साल मेगा ऑक्शन में ही वेंट अनसोल्ड। पर कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुर का साथ देता है। आईपीएल में ना खरीदे जाने के बावजूद रजत वॉज रेगुलरली प्रैक्टिसिंग कि भाई कभी न कभी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब फोड़ के रख देंगे। और फिर क्या, लवनीत सिसोदिया के जगह आरसीबी ने रजत को एज ए रिप्लेसमेंट टीम में बुला लिया। वो अपनी शादी छोड़कर आईपीएल खेलने चले गए एंड दैट सीजन वॉज अ करियर डिफाइनिंग सीजन फॉर हिम। सीजन के 8 मैच में रजत ने 333 रन बनाया विथ अ स्ट्राइक रेट ऑफ 152.50। बेस्ट नॉक एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आया, 54 बॉल में 112 रन। अगले मैच क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 58 और 2 सप्ताह बाद रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुंबई के खिलाफ मैच विनिंग सेंचुरी। मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार चैंपियन बना था, इतना तो भाई काफ़ी है ना। एक बैट्समैन को और क्या करना पड़ेगा अपना वर्थ प्रूव करने के लिए। रजत के मेंटर अमर जी कहते हैं अगर रजत दिल्ली मुंबई या कर्नाटका का बैट्समैन होता तो अब तक 8 से 10 टेस्ट मैच खेल चुका होता। पर रजत से जब भी सिलेक्शन के बारे में पूछा गया वो बस यही कहते थे, सर अपना काम है रन बनाना। रजत इंदौर के सरजापुर गांव से बिलोंग करते हैं। पिता मनोहर पाटीदार जिनका एग्रीकल्चर पंप्स का बिजनेस है, वो भी बस काम की बात करते हैं और सिर्फ हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं। रजत ने ये एटीट्यूड अपने पिता से ही सीखा है। डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट में रजत ने 93 इनिंग्स में 45.97 के एवरेज से 4000 से ज्यादा रन बनाया है जिसमें 12 सेंचुरीज और 22 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। इतने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के बाद इंडियन कॉल कभी भी आ सकती थी, पर एक इंजरी, एचआईएल इंजरी,
साल 2023 में उन्हें ये इंजरी हुआ, जिसके लिए उन्हें लंदन जाकर एक मेजर सर्जरी करवाना था। इतना शानदार आईपीएल 2022 बीतने के बाद आईपीएल 2023 में परफॉर्म करके इंडियन टीम में कदम रखने का ये अच्छा मौका था, पर इस इंजरी ने इंतजार और बढ़ा दिया। वक्त बीता गया, वो रिकवर हुए और इस बार पिछले बार से भी ज्यादा घातक। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद आखिरकार साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई के लिए उन्हें कॉल आया। 21 दिसंबर 2023 को रजत ने अपना ओडीआई डेब्यू किया। फिर क्या कहते हैं ना, बस आप अपने वक्त का इंतजार करिए, जब ऊपर वाला देता है तो इतना देगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन वो देते देते नहीं थकेगा। कुछ दिन बाद इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 151 रन की पारी और उससे पहले इसी अपोनेंट के खिलाफ 111 रन। रजत चिल्ला चिल्ला कर सेलेक्टर्स को अपना नाम कह रहे थे और फिर से वही किस्मत, विराट कोहली। किंग कोहली जब पहले दो टेस्ट से हटे तो मोस्ट डिजर्विंग बैट्समैन रजत पाटीदार को किंग कोहली की रिप्लेसमेंट में टीम में शामिल किया गया। रजत स्पिन और पेस दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। हम उम्मीद करते हैं उनका इंडियन टेस्ट टीम में डेब्यू शानदार रहे और अपने इस मौके का खूब फायदा उठाएं। अपना शतक पूरा किया यहां पाटीदार ने, तीसरा शतक इस वर्ष अपनी टीम मध्य प्रदेश के लिए। आपको रजत पाटीदार की स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।